नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 90% प्याज का स्टॉक हुआ खत्म, यानी किसानों ने अपना प्याज 90% तक बेच दिया। क्या आने वाले दिनों में प्याज के भाव में तेजी बनेगी, यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा जानेंगे प्याज के ताज़ा भाव। किसान भाइयों, इन दिनों प्याज के भाव में थोड़ा सुधार हुआ है और किसानों के पास से लगभग 90% प्याज निकल चुका है। ऐसे में किसानों के मन में सवाल है कि क्या अब प्याज के भाव में तेजी बनेगी। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगले 10 दिनों तक प्याज के भाव लगभग स्थिर रहेंगे, यानी प्याज के भाव में तेजी कमी बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्याज के भाव में मामूली 1 से 2 रुपए प्रति किलो का सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन 10 दिनों बाद भावनगर और नासिक का प्याज नया प्याज मंडी में आना शुरू हो जाएगा, जिससे प्याज के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल मंडी में राजस्थान के अलवर का नया प्याज काफ़ी मात्रा में चल रहा है और इसका लगभग 90% स्टॉक निकल चुका है, जिससे प्याज के भाव में थोड़ा इन 2-3 दिनों में सुधार देखने को मिल रहा है। बात करें प्याज के ताज़ा भाव की, तो प्रयागराज में प्याज के भाव रहे 1300 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल। आगरा मंडी में आज प्याज बिका 1000 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल। जयपुर में प्याज के भाव रहे 1500 से 2540 रुपये प्रति क्विंटल। कानपुर मंडी में प्याज के भाव रहे 1500 से 2590 रुपये प्रति क्विंटल। लासलगांव मंडी में प्याज बिका 1500 से 2280 रुपये प्रति क्विंटल। भोपाल में प्याज के भाव रहे 1000 से 2340 रुपये प्रति क्विंटल। धन्यवाद।